रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आप देख रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एसएस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी त्रिपाठी। साल 2019 को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। अब जो समय जा रहा है वो नए साल की दस्तक दे रहा है। आने वाले साल के लिए हर किसी में उत्साह है, साथ ही है नए सपने जिन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी निश्चित रूप से सरकार की है। दरअसल सरकार के हाथों में ही किसी भी राज्य के विकास की जिम्मेदारी होती है। अगर सरकार सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ती है तो निश्चित तौर पर विकास होता है। लेकिन सत्ता में बैठे नुमाइंदों के बीच अगर अपना अपना हित साधने की होड़ लगी हो तो ऐसे में मध्य प्रदेश का विकास तो दूर, जनता को नित नई परेशानियों से जूझना पड़ता है। हालांकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, जिनका एक साल जो गुजरा है उसका अगर आंकलन किया जाए तो फिलहाल ठीक ठाक है। हालांकि कुछ मोर्चों पर सरकार को वो सफलता नहीं मिली जिसकी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन फिर भी खाली खजाने के साथ मध्य प्रदेश में कमलनाथ और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने अपने कौशल से प्रदेश के विकास के लिए जो प्रयास किए हैं वो काबिले तारीफ है। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस साल बीजेपी को लोकसभा चुनाव के अलावा कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। खैर, इस साल मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ में क्या खास रहा और कहां क्या कमी रह गई, आज इस पर अहम विस्तार से बात करेंगे। आइए पहले रुख करते हैं छत्तीसगढ़ की ओर और देखते हैं यहां किसने क्या खोया और क्या पाया। छत्तीसगढ़ साल 2019 में अपने गठन के 20वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। राज्य ने 19 सालों के दौरान निश्चित तौर पर विकास की ओर कदम बढ़ाए हैं, लेकिन आज भी विकास वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। इस साल प्रदेश की जनता के चेहरे पर मुस्कान लाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की भूपेश सरकार के कंधों पर थी, जिसमें वो कितनी सफल रही ये आकलन करने वाली बात है। मगर कुछ मुद्दों को छोड़ दें तो काफी हद तक विकास के मामले में सफलता हासिल हुई है। हालांकि और बात है कि विपक्ष को ऐसा कुछ नहीं नजर आता। खैर, छत्तीसगढ़ में अब की बार क्या खोया और क्या पाया, इस पर बातचीत का दौर शुरू करें। चलिए इसके पहले दिखाते हैं अपनी खास रिपोर्ट। साल 2019 छत्तीसगढ़ के लिए कैसा रहा, इस पर सबकी अपनी अलग राय है, लेकिन कई मुद्दों के हिसाब से देखें तो ये साल बेहतर ही नजर आता है। साल 2018 में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने वाली कांग्रेस ने पहले दिन से ही दमदारी के साथ आगे की ओर कदम बढ़ाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2019 के शुरू होते ही कई बड़े और कड़े फैसले लिए, इसके चलते जनता के चेहरे पर मुस्कान आई। बस्तर में टाटा के लिए अधिक रहे 10 गांवों के किसानों की जमीन उन्हें वापस कर दी गई। दंतेवाड़ा से सुपोषण अभियान शुरू हुआ। बस्तर से बाजार हाट क्लिनिक योजना की शुरुआत हुई। आदिवासियों को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में सीधी भर्ती के लिए बस्तर और सरगुजा में कनिष्ठ चयन बोर्ड का गठन किया गया। जेल में बंद निर्दोष आदिवासियों को बाहर लाने के लिए कमेटी बनी। इसके साथ ही बिजली बिल हाफ और किसानों की कर्ज माफी पर सरकार ने अपने वादे के मुताबिक काम किया। तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4,000 रूपए तक समर्थन मूल्य, नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी योजना का क्रियान्वयन, गौठान निर्माण, 600 वर्ग फीट तक जमीन फ्री होल्ड, रजिस्ट्री शुल्क में 30% तक की कमी समेत तमाम वादों को लेकर प्रदेश की भूपेश सरकार ने काम किया है। हालांकि कुछ मोर्चों पर सरकार उतनी खड़ी नहीं उतर सकी जितनी की उम्मीद की जा रही थी। प्रदेश में अपराध का ग्राफ अब तक नीचे नहीं गया, साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई बड़ा सुधार नहीं दिखा। हालांकि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दर्शाने के लिए सरकार ने व्यापक रूप से काम किए, जिसे लेकर प्रदेशवासी खासा उत्साहित है। इधर बीजेपी जो विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पर पूरी तरह से भारी पड़ी थी, उसे इस साल हुए निकाय के रण में कांग्रेस ने फिर धूल चटा दी, जिसके लिए पार्टी में बड़े स्तर पर बदलाव की मांग तक जोर पकड़ने लगी। खैर, छत्तीसगढ़ के लिए ये साल मिला जुला रहा। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल प्रदेश के विकास को एक नई उड़ान जरूर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।
तो छत्तीसगढ़ के लिए साल 2019 कैसा रहा, चलिए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता रमेश बरलियानी जी हैं, बीजेपी के प्रचार मंत्री राजीव चक्रवर्ती जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार राम उतार तिवारी जी हैं और भोपाल स्टूडियो में अग्नि जी हैं। आप दोनों लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। बरलियानी जी, मैंने तो आपको रिपोर्ट में बता ही दिया है, मैं ये जानना चाहूंगा दो या तीन पॉइंट बताएं जिसमें सरकार ने एक साल में बहुत अच्छा काम किया हो, फिर राजीव चक्रवर्ती जी तो है ही हैं, आपने कितना सही बोला कितना गलत बोला इसके वो बताएंगे। त्रिपाठी जी, आपने रिपोर्ट कार्ड तो हमारा सरकार का दे ही दिया है जी, उन्हीं बातों को मुझे दोहराना पड़ेगा जी। मुख्यतः क्या है, देखिए भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने जी तो एक जो जन विश्वास था जी उस पर वो खरे उतरे जी, क्योंकि जन घोषणा पत्र में जो हमने वादे किए थे जी उन वादों में से 60% वादे एक साल के अंदर पूरा करने का काम जी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है जी। यानी सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो कहा सो किया वो करके दिखाया जी। यानी हमने किसानों का कर्ज माफ किया, किसानों से 2500 रुपए क्विंटल की दर से धान खरीदा, रोहांडी गुड़ा की जमीन आदिवासियों को वापस की जी, आदिवासियों का मन जीतने के लिए हमने तेंदूपत्ता की दर 4000 की जी, सरगुजा और बस्तर जैसे क्षेत्र में नौजवानों को नौकरियों में प्राथमिकता मिले इसलिए अलग चयन बोर्ड बनाया जिसमें केवल उन्हीं को अप्लाई करने का अधिकार होगा जी। शहर के लोगों के लिए हमने अभी पट्टों का अभियान छेड़ा है जी जी, बिजली बिल हाफ किया है, छोटे छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री रुकी थी वो कम किया है, उनको रजिस्ट्री हमने कर दी ये चीज, और जो गाइडलाइन रेट के कारण रियल इस्टेट बैठा हुआ था जी ये चीज तो 30% कमी करने का काम किया है। बरलियानी जी, ये चीज तो हमने भी बता दी है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन थोड़ा सा जो रिपोर्ट में अंत में एक दो चीजों की मैंने चर्चा की है, थोड़ा सा उल्लेख किया है, उसके बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे कि क्राइम रेट बढ़ा है और जघन्य क्राइम खासकर महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म की घटनाएं हुई है वो बढ़ी है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी भी जैसी स्थिति थी वैसी ही है, इन दो चीजों पे हम जानना चाहेंगे। हाँ त्रिपाठी जी, जहां तक स्वास्थ्य की बात ये है तो मैं आपको बता दूं कि आपके रिपोर्ट में भी आया है जी, पहले बस्तर और सरगुजा जैसे इलाके में उल्टी और 10 से मौतें होती थी जी, अभी जो हम लोगों ने एक मोबाइल यूनिट के माध्यम से हार्ट में जो शुरू किया है जी, तो उससे स्वास्थ्य सेवाएं ग्रामीण अंचल में बढ़ी हैं निश्चित चल रही है, माफ करिएगा, इसको हार्ट में हम लोग पहुंचने का काम किए हैं, इसको बड़े पैमाने पर ले गए हैं। दूसरा सुपोषण अभियान जो शुरू किया है जी, उससे भी जो कुपोषण की दर है उसमें भी भविष्य में देखेंगे कमी आएगी, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि जिस अंडे के माध्यम से कुपोषण जल्दी दूर होता है उस अंडे की सप्लाई पे भी विरोध होता है, ये बड़ा दुर्भाग्य है जी, लेकिन वो विरोध शांत हो गया है जी, तो उस मामले में भी सरकार की पहल अपनी जगह पर है जी। और स्वास्थ्य जो शहरी इलाकों में स्वास्थ्य योजनाओं वाला जो मामला है जी जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव उस मामले में जिस अभियान में लगे हुए हैं वो नए साल में उसको आपको जमीन पे हकीकत मालूम पड़ेगी, किसी भी व्यक्ति को चाहे बीपीएल हो चाहे एपीएल हो हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की होगी और उसका इलाज निःशुल्क होगा। चलिए क्राइम का जहां अपराध वाला मामला है जी 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 बता दीजिए लगातार, क्राइम वाला जो मामला है वो नेशनल के जो एवरेज के हिसाब से देखेंगे उसमें क्राइम बढ़ा नहीं है, और ये क्राइम हुआ भी है जी, तो अपराधियों को तुरंत दबोचा गया है जी, ये भी बड़ी बात है जी, ऐसा नहीं है क्राइम हो गया पूरी साथ में आप धरे बैठी है जी 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 जी, तो क्राइम रेट को भी मतलब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में हम अग्रणी रहे उस मामले में जी। आपने कहा एनसीआरबी की जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो है उसके अनुसार बढ़ा नहीं, अभी तो रिपोर्ट आई नहीं, 2017 तक की आई है, कैसे आपको पता चल गया कि बढ़ा नहीं है, उसकी रिपोर्ट कैसे मालूम पड़ गई आपको? नहीं मैंने जो जानकारी ली है उसके हिसाब से बता रहा हूँ जी, अन्य राज्यों के हिसाब से जी जी जी। चलिए ब्यूरो हमें भी बता दीजिएगा, ब्यूरो रिपोर्ट कैसे हम भी ले लेंगे, कहाँ आपको अलग से जानकारी दे देंगे 2019 का। अब बरलियानी जी, राजीव जी का समय थोड़ा सा कलेक्शन करने से मालूम पड़ जाता है जी जी जी, ठीक है मैं जी, जी। कर लिया करूंगा। राजीव जी से उत्तर ले लूं थोड़ा सा बीच में अगर आप नहीं टोकेंगे, आपने राजीव जी बड़ी शांति से धैर्य से आपको सुना उन्होंने, अब राजीव जी का भी उत्तर आप सुन लीजिएगा, फिर रामोतार जी तो है ही है बीच में, जज की भूमिका निभाएंगे वो जी।
राजीव जी, मैं सवाल क्या करूं, बरलानी जी की जो बातें आई आपके सामने आई हैं उन पे ही आप अपना पक्ष रख दीजिए। जी जी जी, पूरी तरह से जो गंगा जल कांग्रेस भवन में बैठकर कांग्रेस के बड़ी लीडरशिप ने गंगा जल की कस्में खाई थी कि चुनाव पूर्व कि हम फला फला काम करेंगे, हम शराबबंदी करेंगे, हम धान खरीदी करेंगे और तमाम बातें जो बहुत ही, देखिए जो गंगा है हमारी अस्मिता है भारत की, उसकी झूठी कसम खाना तो जवाब तेरे उसूलों का नहीं, जवाब तो तुझे कायनात देगा, और जवाब हम नहीं, जवाब तो तुझे वक्त देगा। ये एक साल की जो बात करते हैं ये कांग्रेस की सरकार, ये भूल जाते हैं कि इसके पहले जो बीमारू छत्तीसगढ़ था जो हमें विरासत में मिला था, गरीब और दबा हुआ छत्तीसगढ़, बीमारू छत्तीसगढ़ और शोषित छत्तीसगढ़, उस छत्तीसगढ़ को पिछले 15 वर्ष में अगर सड़कों की श्रृंखला बनी है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बनाया था। राजीव जी, सरकार ने राजीव जी थोड़ा रोकेंगे हम, माफ करिएगा, हम पिछले आपकी सरकार के 15 साल को लेके मैं ये प्रोग्राम नहीं रखा हूँ, मैं ये प्रोग्राम रखा हूँ जो पिछला एक वर्ष बीता है। इस एक वर्ष के बीतने में बरलानी जी ने जो बातें गिनाई हैं, बस्तर में टाटा स्टील प्लांट से लेकर आदिवासियों को देना, जो भी अलग अलग योजनाएं गिनाई हैं, खासकर क्राइम और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के, उस पर हम आपका पक्ष जानना चाहेंगे, जनता जानना चाहेगी। एक साल का मामला है, हमने रखा है, एक साल में क्या खोया क्या पाया त्रिपाठी जी? ये जी। एक साल का झूठ का पुलिंदा है जी। अपराध तो इतना बड़ा है कि सरकारी संरक्षण में अपराध होते हैं। बिलासपुर में अपराधी को, जो बलात्कार का अपराधी था, उसे कांग्रेस के लोग ले जाते हैं थाने से बाइज्जत, और उसके बाद बहुत सारे जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं उसके ऊपर पुलिस को कार्रवाई नहीं करती है, कार्रवाई केवल भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करके उनके कार्यकर्ताओं पे किया जाता है, निरीह जनता पर किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, जो शराब की नदियां बह रही है जी, जिस प्रकार से हम शराब को क्रमबद्ध बंद करना चाहते थे, ये सरकार ने गंगा जल की झूठी कसम खाई थी कि हम शराब को बंद कर देंगे, लेकिन वारे भूपेश सरकार, शराब का समय बढ़ा दिया गया, शराब के काउंटर बढ़ा दिए गए, गली गली गांव गांव छोटे छोटे चौराहों में चौक चौराहे में शराब की बिक्री हो रही है और सरकार एकदम मौन है, मौन स्वीकृति दे रही है। तो जनता जानना चाह रही कि एक साल पहले आपने जो कसम खाई थी शराबबंदी का, उस शराबबंदी का क्या हुआ? अपराध की बात होती थी, जगह जगह अपराध हो रहे हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद है, और मेरे मित्र रमेश जी कहते हैं कि अंकुश लगा है, दंड दिया गया। अरे दंड किसे दिया गया, किसने देखा है? तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं त्रिपाठी जी, जो धान खरीदी की बात की गई थी, आज धान खरीदी पे किसान जगह जगह चक्का जाम कर रहे हैं, उन्हें टोकन दिया जा रहा है 15 दिन बाद का, एक हफ्ते बाद का, और उसके बाद जो इनका सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर ऐसी हालत में है कि जो किसान है, जो जिनकी 20 एकड़ खेत है उसमें वो शून्य दिखा रहा है। तो किसान हैरान है, परेशान है। कम से कम इस ओर अगर सरकार संज्ञान लेती तो इनके जो डिपार्टमेंट है, जो जनसंपर्क का विभाग, वो बड़ी बड़ी बातें कर रही है और इनके लोग भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे देखेंगे एक साल में ये सरकार असफल हुई है, और नरवा और गुरुआ घुरुआ के नाम पर इसने शोषण किया है। और मैं बता दूं, जो गौठान की बात करते थे, बंदी गृह बना दिया गया, कितने गायों, कितने गौवंशों की मौत हुई है ये सरकार स्पष्ट करे। तो पूरी तरह से असफल सरकार थी, और लबरा सरकार जिसे छत्तीसगढ़ी में कहावत है, झूठ बोलने वाले, ये सरकार है, ये सरकार निकम्मी है, और जनता जान चुकी है कि ये सरकार आज तक विकास का एक इंच भी अगर सड़क बनी हो तो बल्याणी जी बता दें, अगर कोई सड़क बनी हो, कोई नया भवन बना हो, उसके लिए कोई काम किया जा रहा हो, या कोई राजीव जी में फर्नीचर नहीं है, अस्पताल में हालत खराब है। राजीव जी, स्वास्थ्य विभाग के मामले में बल्याणी जी ने बड़े स्पष्ट कहा कि पहले उल्टी और दस्त से लोगों की मौत हो जाया करती थी, गरीब निरीह आदिवासियों की मौत हो जाया करती थी। उन्होंने मोबाइल ऐप के जरिए एक हार्ट क्लिनिक जो शुरुआत की है, उससे कितना लाभ मिला है? निश्चित तौर आप यही बोलेंगे लाभ नहीं मिला, लेकिन वो योजना तो अच्छी थी जो शुरुआत हुई है भूपेश बघेल सरकार में। नहीं नहीं नहीं, लाभ नहीं, नहीं नहीं, ये योजना बहुत पुरानी है जी। भारतीय जनता पार्टी के समय भी जगह जगह मोबाइल यूनिट थे, जो झुग्गियों की तरफ खड़े होते थे या हाट बाजार की तरफ खड़े होते थे, ये कोई नया नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। ये शहरी विकास कार्यक्रम और ग्रामीण स्वास्थ्य के अंतर्गत बहुत पुराना कार्यक्रम है, आपको तमाम ऐसे एम्बुलेंस दिख जाएंगे जिसके ऊपर ऐसे छाते तने होते हैं, वो ग्रामीण हाट बाजार में
खड़े होते थे, इसे नए कलेवर और नए तेवर के साथ इन्होंने शुरू कर दिया। ये कोई नया कार्यक्रम नहीं है, बहुत पुराना कार्यक्रम है। और हेल्थ कैंप तो आज पिछले 15 साल से चल रहे हैं गांव में और हाटों में, ये कोई नया नहीं है। ये अपनी हमारी उपलब्धियों को अपना चोला पहनाकर अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। चलिए, इस बात के लिए तो धन्यवाद दे दीजिए बल्याणी जी को कि कम से कम आपने जो शुरुआत की थी उसको इन्होंने अंगीकार कर रखा है, इसके लिए तो धन्यवाद दे दीजिए। अरे साहब, स्वास्थ्य कार्ड बंद कर दिए, धन्यवाद किस चीज का? इन्होंने हमारे केंद्र की जो योजनाएं थी, जो आम जनता के लिए बनाया गया था, उसका राजनीतिकरण कर दिया। सीबीआई बंद, स्वास्थ्य कार्ड बंद, बाकी जितने भी हमारे कार्यक्रम थे सारे कार्यक्रम को इन्होंने बंद कर दिया। ये बंद करने वाली सरकार है, कोई शुरू करने वाली सरकार नहीं। केंद्र की सारी योजनाओं को इन्होंने, तमाम योजनाओं को बंद कर दिया गया, तो इनको क्या धन्यवाद देना? और जो कार्यक्रम हमारे चल रहे थे उसका नामकरण बदल दिया, उसका नाम बदल दिया और उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। तो ये सब जनता देख रही है और नगरीय निकाय चुनाव में परिणाम स्पष्ट है। कहीं पर भी नगरीय निकाय में स्पष्ट रूप से कांग्रेस को बहुमत नहीं, जो 3/4 मेजोरिटी वाले कांग्रेस मिल गया थी, आज पार्षदों की खरीदी बिक्री में लगी हुई है। आपको कहां मिल गया, किस जगह पे मिल गया आपको बहुमत? नहीं, हमको बहुमत नहीं मिला, लेकिन सरकार कहते थे भारतीय जनता पार्टियां खत्म हो चुकी है। हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया, अगर आप विधानसभा का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे उस मौजूद हालत में आज बहुत अच्छी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी। चलिए, निश्चित नहीं, आप तो लोकसभा में तुरंत 6 महीने बाद ही आपने चारों खाने चित कर दिया था। आप बड़े बड़े वो किया, हम 11 में से 9 सीटें जीत गए, फिर से भूपेश बघेल सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन फिर उलट हो गया। खैर, अलग बात है। बल्याणी जी, आप धन्यवाद के पात्र नहीं है, ऐसा राजीव जी की तरफ से है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ रामोतार जी है। रामोतार जी, 1 साल जो भूपेश जी का निकला उसमें आपको कितना आकलन लगा कि उन्होंने विकास की ओर, वहां की जनता की ओर कितना उनका ध्यान रहा, और कैसी ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो उनको शुरू करनी थी जो जनता के हित भी थी उसकी अनदेखी हुई? देखिए, पिछला 1 साल चुनावी साल था, ये कहा जाए एक तरह से। जी, विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव। जी, और अब पंचायत चुनाव की प्रक्रिया यहाँ शुरू हो गई है। जी, नामांकन कल से उसके भी शुरू हो गए हैं। जी, तो एक तरह से चुनाव के में समर में जाने का पूरा साल गया है। जी, इसलिए आचार संहिता के चलते जिस तरह से काम में गति आनी चाहिए था, जी, वो गति नहीं आ पाई है। जी, फिर भी भूपेश सरकार ने जो अपने वादे किए थे, जी, जो घोषणा पत्र में जिन लोगों का उल्लेख किया था, जिन मुद्दों का, बड़े मुद्दों का, जी, उन बड़े मुद्दों को पूरा करने में ही वो उनका साल चला गया। चाहे वो धान खरीदी हो, बिजली हाफ हो, छोटे भूखंड हो, कर्जा माफ हो, जी, टाटा की जमीन वापसी, वैसे कई बड़े और कठिन फैसले के नाम पर जाना जाएगा यह वर्ष, जो विपरीत परिस्थितियों में इन सब फैसलों से, एक तरह से कर्ज माफी और धान खरीदी, जी, दो ये फैसलों से सरकार के सामने एक वित्तीय संकट भी आई। इस वित्तीय संकट के कारण ये कहा जा सकता है कि सरकार बड़ी योजना प्रारंभ करने में असमर्थ रही है, जी, या विलंब हो रहा है, जी, या कोई जितने बड़े काम चल रहे थे, जी, उन कामों की गति जैसी थी वैसी नहीं दिखी। जी, पिछले सरकार और इस सरकार में अगर आप तुलना करेंगे, जी जी, पिछली सरकार शहरों के विकास, अधोसंरचना के विकास, बिल्डिंग और सड़क पे लगी थी। जी, यह सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अग्रसर सरकार दिख रही है। जी, तो सरकार का जो नजरिया का अलग अलग नजरिया होने के कारण अलग अलग तरीके से दिख रहे हैं। जी, तो पहला, जैसा आपने कहा कि अपराध निश्चित तौर पर बढ़े हैं, जी, और अपराध जिस तरह से बढ़ रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ जैसा शांत इलाका है जिसमें अनेक तरह तरह के अपराध बढ़ रहे हैं, वो निश्चित तौर पर चिंता की बात है। जी, दूसरी तरफ बल्याणी जी भले बोल रहे हैं वो स्वास्थ्य योजनाओं के लिए अपनी पार्टी का बखान कर रहे हो, परंतु इन्होंने जो नई योजना लाई थी स्वास्थ्य की योजना, कहीं न कहीं वो जनता को अभी तक छूती भी नहीं दिख रही है। जी, तो इस सरकार के सामने कई ऐसी कठिन चुनौतियां हैं, जैसे
पिछले सरकार में हमने देखा कि प्रशासनिक आतंकवाद और नौकरशाही हावी था, वो इस सरकार में नहीं दिखा है जी। इस सरकार में प्रशासन में जो मुख्यमंत्री जी तेज हैं और कसावट आई है जी, परंतु उस तरह की कसावट जी, क्योंकि पिछले 15 साल की बिगड़ी हुई व्यवस्था थी जी, उस व्यवस्था को बनाना नया बनाना एक कठिन चुनौती है। तो यह सरकार भी जिस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था चाहे मध्य प्रदेश हो या अन्य राज्य हो जी, वहां बनना चाहिए, वहां इस तरह से बनी नहीं है। हालांकि अभी केंद्र सरकार की रिपोर्ट में गुड गवर्नेंस में इस सरकार का भी उछाल मारा है जी, वो एक अलग बात है जी, परंतु जैसा प्रशासन में और चुस्त दुरुस्त होना चाहिए, जैसे प्रशासन में और कई समस्याएं बनी हुई है उसको अगर प्रशासन को बेहतरी के लिए कोई और कदम उठाए, कौन सी समस्या सरकार, कौन सी समस्या तो इस सरकार कौन सी समस्या बनी हुई है? देखिए प्रशासन में जी, आज भी जो अधिकारियों की पदस्थापना या जिन लोगों की जो अच्छे अफसर हैं जी, जो काबिल अफसर हैं, जो फील्ड में अच्छा काम कर सकते हैं और प्रशासन के अपने एक मापदंड हैं उसके तहत अगर ये काम करते रहे तो निश्चित तौर पर चाहे पुलिस प्रशासन हो या आईएएस अफसर हो उनके बीच एक संदेश जाएगा, वो संदेश कहीं न कहीं जा नहीं रहा है जी। उसको एक तरह से प्रशासन का विकेंद्रीकरण करते हुए, प्रशासन में पारदर्शिता लाते हुए अगर प्रशासन को और मजबूत कर लिया जाए तो सरकार को अपने जो उनकी योजनाएं हैं उनका समीक्षा करने में, उनके रिजल्ट लाने में और लोगों की समस्याओं को हल करने में ज्यादा कारगर साबित हो सकती है। परंतु पिछले 15 साल की जो मानसिकता थी नौकरशाह की, इसलिए इस सरकार के सामने कठिन चुनौतियां अभी भी बनी हुई है जी। उसको अगर ठीक कर लिया जाए तो सब ठीक, तो यह सरकार और ही बेहतरी से विकास कर सकती है जी। राजीव जी आपने सुन लिया होगा बिगड़ी हुई व्यवस्था, मैं आपके पास आऊंगा थोड़ा बल्यानी जी से सवाल कर लूं। बल्यानी जी, एक राजीव जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने जो पॉइंट उठाया उसमें मैं भी थोड़ा जानने के लिए उत्सुक हूं। सवाल इस बात का है कि आपने धान खरीदी, तिवारी जी ने आपको निश्चित तस्दीक कर दिया, मोहर लगा दी है उन्होंने कि बिगड़ी हुई व्यवस्था के बीच में उन्होंने अपने वादे पूरे करने के पूरे प्रयास किए हैं। लेकिन जो धान खरीदी का मामला है उसमें एक तो 1835, 1815 और 2500 का जो रोड़ा है वो आप ही ज्यादा बेहतर बताएंगे। राजीव जी ने कहा कि आज भी जो आपका सॉफ्टवेयर है जो सबसे बड़ी समस्या आती है उसमें आप उनको टोकन दे देते हैं लेकिन उनका 20-20 दिन बाद 25-25 दिन बाद नंबर आता है, तो वो ठीक है आप किस रेट पे समर्थन मूल्य दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आज की स्थिति में उसको खाद बीज की सख्त जरूरत है और ऐसी स्थिति में अगर वो अपना माल बेचने किसान जाता है मंडी पे तो उसको कितनी परेशानी होती है, इस मुद्दे पे आप कितना सफल रहे? देखिए मैं आपको बता दूं त्रिपाठी जी जी, पिछले साल तो रमन सिंह जी के लिए मोदी जी ने शिथिल कर दिया था बोनस वाला मामला जी, तो पिछले साल तो हम 2500 रुपया दे पाए जी, लेकिन इस साल केंद्र ने हमारे योजना में अड़ंगा लगाना शुरू कर दिया जी, कि यदि 1815 समर्थन मूल्य से ज्यादा आप पैसा देंगे किसान को जी, तो हम आपके धान से बने हुए चावल जो एफसीआई लेता है सेंट्रल पूल में वो नहीं उठाएगा जी जी, यानी हमको मजबूर किया गया 2500 रुपया नहीं दे जी, इससे व्यवस्था हमारी गड़बड़ाई। लेकिन हम हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, इस बात को लेकर संकल्पित थे जी, कि हमको 25 रुपया किसान के खाते में डालना है जी जी, तो बीच का रास्ता आपने ये लिखा कि केंद्र सरकार के आदेशों का भी पालन हो जाए तो ऑन रिकॉर्ड हम 1815 रुपए में धान खरीदी कर रहे हैं और जो 25 रुपए का जो डिफरेंस का पैसा है जी 685 रुपया जी, उस पैसे को हम दूसरे मत से दूसरे मद के माध्यम से किसान के खाते में डालेंगे, उसके लिए एक हमारी मंत्रियों की कमेटी बनी हुई है जी, तो 25 रुपए किसान के खाते में आएगा पर क्विंटल, ये तो निश्चित बात है जी, इतने अड़ंगे बावजूद भी जो निश्चित आएगा तो ये तो पता चल जाएगा ना मामले में। बल्यानी जी जो आप आम बजट पेश करेंगे इस बार तो खाते में आएगा, नहीं नहीं आम बजट पेश करेंगे उसमें निश्चित ये समर्थन जो डिफरेंस है
उसका कितना अंतर, कितना उसमें मद में आता है पैसा, वो आम बजट में दिख जाएगा, तब हम मानेंगे कि निश्चित तौर पे जाएगा। निश्चित रूप से त्रिपाठी जी, जी हाँ, नहीं नहीं, बजट के अभी वो तो जाएगा ही जाएगा, वो हमारा कमिटमेंट है किसानों से, उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। जी दूसरा जो आप धान खरीदी वाली बात कर रहे थे, उसी में तो उनको जो किसानों को 15-15 दिन इंतजार करना पड़ता है, उस मुद्दे पे क्या कर रही है सरकार? वो जो 15 दिन का इंतजार था, कुछ जिलों में धान का जमाव ज्यादा हो जाने से कुछ व्यवस्था बनी थी, तो उन्होंने टोकन सिस्टम लागू किया था जी, लेकिन अब वो व्यवस्था खत्म कर दी गई है और निर्देश दिए गए हैं कि जितना भी किसान धान लेके आएगा उसको आपको खरीदी करना है जी। अब वो व्यवस्था ठीक हो गई है जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है जी। बिल्कुल व्यवस्था ठीक हो गई है राजी जी, जिसके आप सबसे ज्यादा आपने समस्या जो किसानों की समस्या है उसके लिए जो आप चिंतित थे उसमें व्यवस्था ठीक हो गई है। और रहा सवाल इसका कि एक तिवारी जी राजू जी की पहले की बात सही है, एक और बात है ये तो राजू जी ने जो टिप्पणी की थी वो सही था, उसको ठीक कर लिया हम लोगों ने जी जी। राजू जी निश्चित तौर पर इस उत्तर चाहेंगे, साथ ही आज की घटना है त्रिपाठी जी, राजू जी, राजू जी तिवारी जी ने एक बात कही है, मैंने तिवारी जी ने जो बात कही उसी को लेकर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, भवन, इन पे आपने अच्छा खासा ध्यान दिया था, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी था ग्रामीण व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, ग्रामीणों की समस्याओं को का समाधान करना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण था। उस मुद्दे पे आप 15 साल में वो काम नहीं कर पाए जिस तरफ भूपेश बघेल सरकार जा रही है, क्या कहेंगे? नहीं, मैं इससे असहमत हूँ जी। त्रिपाठी जी, अगर ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी सड़कें बनती है, अगर वो पर्यटन के लिहाज से लोग वहां पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से उसका आर्थिक फायदा पहुंचेगा। आप देखेंगे पर कैपिटा इनकम पिछले अगर कंपैरिजन करेंगे तो हमारी सरकार के समय जब ये जो CSIDC के माध्यम से या जो अधोरचना जो सड़कें बनी, अस्पताल बनी और बड़े बड़े भवने बने, जो जिला डिक्लेयर किया हमारे सरकार ने, उन जिलों के बनने के बाद निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय हमारी सरकार की वजह से अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ था। और जबकि इतनी हालत खराब थी कि सड़कें नहीं जाती थी, राज्य परिवहन के समय आपको मालूम है कि बसें नहीं जाती थी, आज गाड़ियां जाती है, पहुंचती है, किसान अपना माल को तुरंत पहुंचा देता है और ट्रांसपोर्ट सस्ता हुआ, तो बहुत सारे कारण थे कि अधोरचना की वजह से ग्रामीणों की आर्थिक व्यवस्था सुधरी थी, ये एक मुद्दा था। दूसरा मुद्दा था कि लोगों के लाइवलीहुड कॉलेज के माध्यम से और बहुत सारे जो माध्यम से जो स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से जो केंद्र सरकार की भी योजना थी, तो ग्रामीण निश्चित रूप से बड़े बड़े शहरों में गए, उसका अगर कारण था तो भारतीय जनता पार्टी थी जी। मेरे बड़े भाई हैं तिवारी जी, उनकी इस बात से मैं ऐसा असहमति व्यक्त करता हूं। निश्चित रूप से हमारी सरकार की वजह से ग्रामीण क्षेत्र में एक ऊंचाई पहुंचा था और ग्रामीण और शहर के बीच में बहुत बड़ा एक जो खाई हुआ करती थी वो खाई बंद हुआ था। अब देख लीजिए जिला मुख्यालय धमतरी में आज जो विकास हुआ है, कांकेर का आप उदाहरण दे सकते हैं, आज जो अंबिकापुर का जो विकास हो रहा आप देख सकते हैं, सूरजपुर जिला मुख्यालय था और उसके बाद जो हम लोगों ने जिले बनाए उसके वजह से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी, ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई थी और ग्राम लगभग शहरों के बराबर के मुकाबले में आ गए थे। राजू जी इसमें बिल्कुल विपरीत है, बल्याली जी बोल रहे हैं कि व्यवस्था सुधर गई है धान खरीदी के मामले में, उसमें आपका क्या कहना है, व्यवस्था सुधर गई है? बहुत बड़े भैया रमेश भैया जी को मैं बता दूं, आज ही गरियाबंद में किसानों ने प्रदर्शन किया, सिरपुर के पास प्रदर्शन किया, ये अगर आप जिलों को देखेंगे कोई ऐसे जिले नहीं जहां पे जो आज किसान बहुत पीड़ित है, दुखी है और तो और वो सड़कों पर आ गए, कहीं कहीं धान फेंक दिए हैं और दूसरी ओर जो भुइयां जो सॉफ्टवेयर है वो आज भी काम नहीं कर रहा, कई किसानों का रकबा गायब है, वो बेचारे धान लेकर वहां मंडी परिसर में खड़े हुए हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है जी। तो वो जो ये भुइयां सॉफ्टवेयर है वो काम नहीं कर रहा है, तो ये पूरी तरह से वल्याणी जी को मैं बता दूं आज भी किसानों ने प्रदर्शन किया है जी जी। क्योंकि समय समाप्त हो रहा है तिवारी जी, हम ये जानना चाहेंगे कि धान खरीदी के मामले में जैसे वल्याणी जी बोल रहे हैं कि व्यवस्था सुधर गई है, राजीव जी ने आज का ही उदाहरण दिया है, व्यवस्था सुधर चुकी है ऐसी कोई बात नहीं है जी जी जी, कहीं सॉफ्टवेयर कहीं किसी जगह खराब होगा तो ठीक कर लिया गया है जी। तिवारी जी संक्षेप में जानना चाहेंगे, तिवारी जी संक्षेप में जानना चाहेंगे कि कौन लबरा है यहाँ पे, सुधार हुआ है? देखिए त्रिपाठी जी जी,
कि पिछले एक साल में जी जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की माटी, छत्तीसगढ़ के लोगों परंपराएं पर परंपराओं पर इस सरकार ने अधिक से अधिक ध्यान देकर लोगों के बीच ये संदेश दिया कि सरकार आपकी है जी, कहीं न कहीं 15 साल में जी छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की भाषा, छत्तीसगढ़ के संस्कार जी उसको पुनर्जीवित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था जी जी। तो इस सरकार ने एक बड़ा कदम, यहाँ की जो एक कीमती संस्कार है, संस्कृति है, लोग कलाकार तो लेकिन रोजगारों ने अभी वो एक बड़ा कदम उठाकर जिस तरह से मोदी जी दिल्ली में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद चला रहे हैं जी, ये राष्ट्रवाद की भाषा जो देते हैं जी, उसी तरह यहाँ पर छत्तीसगढ़ियों को ये लगता था कि हमारी भाषा, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति की लगातार उपेक्षा हो रही है जी। कहीं न कहीं इस भावनात्मक मुद्दे पर भूपेश बघेल ने सार्थक कदम उठाकर एक दो लोगों के दिल जीतने की कोशिश की है, एक बात। दूसरी बात, धान खरीदी कर विपरीत परिस्थितियों में धान खरीदी हो रही है जी। विपरीत परिस्थितियों का आशय मेरा ये है कि सरकार के पास पैसे नहीं है, कर्ज लेकर केंद्र सरकार से मदद में हिला हवाला होने के बावजूद भी खरीद रही है। पहली अव्यवस्था थी, अभी भी अव्यवस्था है, मगर अब जो प्रतिशत है वो गिरा है, अब नहीं तो हो हल्ला नहीं हो रहा है। किसानों के धान खरीदी हो रही है पर वो विलम्ब हो गया है, इसलिए किसान अभी भी वैसे खुश नहीं है। परंतु पंचायत चुनाव में ये भी देखने को मिल जाएगा कि किसान खुश है, उसके धान का समर्थन मूल्य में खरीदा गया है तो खुश है तो इनको वोट देगा, नाराज है तो इनको वोट देगा, तो दोनों लोग में कौन सही है ये भी पता चल जाएगा। किसान हमसे खुश है, किसान हमारे साथ है और आगे भी रहेंगे। चलिए रिजल्ट आ जाएगा, समय हमारा समाप्त हो रहा है, रिजल्ट आ जाएगा, समय हमारा समाप्त हो रहा है। संक्षिप्त टिप्पणी के अग्निहोत्री जी, आपकी बहुत संक्षिप्त टिप्पणी, जो भी आपने पक्ष विपक्ष और हमारे तिवारी जी को सुना उस पर। मुझे लगा कि ये जो साल जो गुजरा है जी वो मिला जुला साल रहा है जी, और काफी कुछ काम छत्तीसगढ़ में किया गया है, ऐसा नहीं है जी। अभी हाल ही में भूपेश बघेल सरकार का एक साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, तो काफी काम किए हैं और काफी कुछ करने की अभी चुनौतियां बाकी हैं। जैसा कि तिवारी जी भी बता रहे थे कि प्रशासनिक तौर पर कसावट की और जरूरत है, अपराध पर नियंत्रण के लिए और पुलिस को ठीक करने की जरूरत है, तो अभी काफी चुनौतियां हैं और अभी चार साल उनके सामने हैं अभी और इन सारी चुनौतियों से निपटने के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अग्निहोत्री जी आपका, तिवारी जी आपका, राजीव जी आपका और बल्याणी जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि छत्तीसगढ़ में साल 2019 कांग्रेस के नाम रहा, लेकिन अभी भी कई वादे अधूरे हैं जिन्हें पूरा करना भूपेश सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। खैर, देखते हैं राज्य की कांग्रेस सरकार नए साल में नई चुनौती से कैसे पार पाती है। चलिए छत्तीसगढ़ के बाद अब